हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है सपना की प्यारी इस दुनिया में। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं गाइस। और आज पता है सुबह तो नहीं इतनी ज़्यादा, 11:30 बज रहे हैं, फिर भी अंधेरा है। बहुत ज़ोरदार बारिश मतलब लग रहा होने वाली है। बादल बहुत ही काला है पूरे में। और बच्चों की छुट्टी है, हस्बैंड की भी छुट्टी है। आज के ब्लॉग स्टार्ट करते हैं गाइस। आंधी की तरह आनी चालू हो गई, हवा बहुत ज़ोरदार चल रही है, लग रहा है उड़ जाएगा बादल। पर घना भी बहुत ज़्यादा है, उड़ाने में भी टाइम लगेगा हवा को। बहुत ज़ोरदार मतलब हो रही है हवा। तो ये देखो कितना सुहाना मौसम हो रहा है और हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और लग रहा है कि बारिश अभी ही हो जाएगी। बहुत ही प्यारा मौसम है। मैं इस बाहर टहल रही हूँ, ये देखो पत्ते उड़ रहे हैं हमारे यहाँ चारों तरफ। अभी पत्ते बिछ जाएंगे, फिर मुझे साफ़ करने पड़ेंगे। और मैं फटाफट कपड़े उठा लेती हूँ गाइस। बूंदे भी पड़ने लग गई, बड़ी बड़ी बूंदे आ गया लग रहा है बारिश। और देखते हैं हवा रोक पाती है या फिर ज़ोरदार होती है बारिश। तो ये लो भाई, थोड़ी ही देर में ज़ोरदार जम के बारिश होने लग गई, अंधेरा छा गया पूरा। तो गाइस गुड मॉर्निंग, हो गया नेक्स्ट डे। कल मैं ज़्यादा सूट कर नहीं पाई। कल हमारे बगल में गणपति बप्पा रखे थे, पूरा दिन भजन कीर्तन होते रहे, तो आवाज़ की वजह से मैंने सूट नहीं किया बाहर आके। और बस अभी बच्चे सो रहे हैं, संडे आज, हस्बैंड भी घर पे, आपको पता है ये काम है नहीं है। और मैं नाश्ता की तैयारी हो चुकी है, तो बस नाश्ता करने वाले हैं हम लोग। बस चलिए आज का भी कंटिन्यू रखते हैं ब्लॉग। और कल बारिश भी बहुत जम के 1-2 घंटे होती रही, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है कल। चलिए फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ, हस्बैंड भी नहा के तैयार हो चुके हैं मतलब। तो हस्बैंड नहा के आ चुके हैं, तौलिया टांग रहे हैं। मैंने बोला कि गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस नाश्ता भी रेडी हो गया है, ये ऑमलेट, मट्ठी, बिस्किट और ब्रेड। ये नाश्ता दोनों का है, मतलब कि मेरा और हस्बैंड का, दोनों साथ में एक साथ मतलब कर लेते हैं सुबह टाइम। तो मैं भी कर लूँगी, हस्बैंड भी कर लेंगे। तो जैसे मतलब आदत सी है, वो मतलब काम पे चले जाते हैं और मैं घर का काम करने में बिजी हो जाती हूँ। ये बच्चे देखो सो रहे हैं अभी, तो जगह हमारे यहाँ पे ज़्यादा है नहीं, तो हम लोग नीचे ही कर लेते हैं। कोई बात नहीं, जगह नहीं है ज़्यादा, तो हम लोग आराम से बैठ के यहाँ खाना भी खा लेते हैं और नाश्ता भी कर लेते हैं। और फिर खाना मैंने बना के रख लिया है, तो खाने में बनाया ये अरहर की दाल और रोटियाँ, तो बन के रेडी हो गया मेरा लंच। और लंच का सबका टाइमिंग अलग अलग है, तो हस्बैंड आएंगे, आते हैं लंच में, तो वो खा लेते हैं, फिर मेरा काम ख़त्म हो जाता है तो मैं खा लेती हूँ। तो ये है कपड़े, बहुत सारे हो गए हैं, तो ये कपड़े अभी धो के डाल देती हूँ, फिर मौसम का पता नहीं होता ना। तो ये अभी किचन के बर्तन बहुत सारे पड़े हैं, तो ये देखो पूरा गैस है मतलब गंदा हो गया है, तो वो अभी साफ़ कर लूँगी। पहले कपड़े धो के फैला देती हूँ, ताकि कल ऐसा ही था कि सुबह टाइम तो पता नहीं चला कि मतलब ये तेज़ धूप थी, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि इतनी ज़ोरदार बारिश होगी। तो इस वजह से ड्रेस बहुत ज़रूरी थी मुझे धोना, और कल स्कूल है बच्चों का, तो इस वजह से मैं सुबह सुबह धो के डाल दूँगी। तो दिन भर में बारिश भी होती है ना, तो पानी निचुड़ जाता है, फिर अंदर आराम से डाल लेती हूँ कपड़े, तो इसलिए सुबह सुबह कपड़े धो के डाल देती हूँ। फिर इसके बाद किचन के जो बर्तन पड़े हैं और बाकी काम मतलब ख़त्म कर लूँगी। और ये कपड़े यहाँ से थोड़ा सा हवा आती है ना गेट से, तो सूख जाते हैं। काम ख़त्म हो गया है, नहा भी चुकी हूँ मैं और लंच कर रही हूँ गाइस। और आज मैंने सूट पहना है, बहुत दिन हो गए मतलब सूट नहीं पहना। जल्दी से मैं लोअर टी शर्ट मतलब पहन लेती हूँ, कंफर्टेबल रहता है इस वजह से। और आज मन किया सूट पहनने का, और हो गई है शाम। हस्बैंड लेके आए हैं मटन, उनका मन कर रहा था बहुत ज़्यादा, और काफ़ी दिन हो गए हम लोगों ने नहीं खाया मटन। तो मसाला मतलब मिला रहे हैं हस्बैंड, कह रहे मैं मैरिनेट करके रख देता हूँ, फिर आप बनाते रहना। तो मैं नमक डाल देती हूँ, अंदाज़ा उन्हें पता नहीं है ना, मैं इसलिए मैं नमक डाल दी और बस मैरिनेट करके रख दूँगी और आधा एक घंटे के लिए करीब। गाइस तो मटन हमारा मैरिनेट हो रहा है और करीब आधा एक घंटा करेंगे हम लोग। अभी जा रहे हैं बाज़ार, आज ये संडे तो संडे बाज़ार लगता है, तो जा रहे हैं बाज़ार। गाइस तो जा रहे हैं मार्केट, और हस्बैंड भी साथ में है, तो हमारे टॉम जेरी के ना पत्ते ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके लिए जाना पड़ता है। सब्ज़ी तो ऐसा कि कभी कभी आ जाता है बाहर में, तो ले लेते हैं। तो दोनों बातें करते ना आराम से चले जाते हैं, तो रिक्शा की ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से टहल भी लेते हैं।
गाइस तो आ गए हम लोग मार्केट से, ये ले आए हैं पत्ते टॉम जेरी के लिए, उनके लिए हमें जाना ही पड़ता है। और बस जा रहे हैं अभी घर, बनाएंगे मटन फिर खाना खाएंगे। तो कुछ घर का सामान मतलब इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, हमें टॉम जेरी के पत्ते ज़रूरी थे और बस एक दो सब्जी ली, एक दो चीज़ें और ली हैं, बस ज़्यादा कुछ लिया नहीं है अभी। तो हम लोग घर पहुंच गए हैं गाइस, आ गए हम लोग घर। टॉम जेरी के लिए गोभी के पत्ते लाए, गोभी हम सब्जी लाए अपने लिए, गोभी अदरक सेब सिंघाड़े अचार आम का मस्त पानी आ जाता मुंह में। और इसमें जलेबी, मजा आ जाएगा। तो मटन मैरिनेट हो गया, रेडी हो गया, ये देखो पूरा पानी छोड़ दिया है। और बस मैं आके बनाने लग गई मटन, और दो चार रोटियां बनानी है तो बस मैं अभी बना लूँगी मटन। हम तीन लोग खाते हैं, छोटा वाला बेटा यस नहीं खाता है, तो मैं लहसुन छील लेती हूँ और बस मैं पकाने के लिए रख दूँगी अभी, और आराम से धीमी आंच कर दूँगी और आराम से पकता रहेगा। मैं मटन अक्सर इसी तरीके से बनाती हूँ, ना कुकर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से कढ़ाई में पक जाएगा। आप लोग धीमी आंच करके और रख दो, बीच बीच में मतलब चलाते रहो, और पूरा पानी एक बार अच्छे से इसका जल जाएगा, इसी पानी में पक जाएगा। इसके बाद जब भुनने के बाद फिर आप इस तरीके का हो जाएगा, फिर आप पानी जितना आपको ग्रेवी चाहिए फिर आप पानी डाल सकते हो। तो ये अच्छे से मतलब गल चुका है और थोड़ी सा बाकी है, तो ये पानी डाल के गला लूँगी और तरी थोड़ी सी बना लूँगी। तो बस मटन रेडी है, मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ, आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना गाइस।